नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कश्मीर में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में धीरे धीरे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। इस बीच बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया है, तो कहीं भारी बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 5 दिसंबर तक तूफान और भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी मानसून पिछले कुछ दिनों से सक्रिय है। तमिलनाडु और केरल के निकटवर्ती क्षेत्र में गतिविधि अच्छी रही है। वहीं गुजरात में आज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसी तरह अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय की बेल्ट में भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बता दें कि चेन्नई में भारी बारिश के बाद रास्ते तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जल भराव का एक दुर्गत पहलू यह भी है कि अब लोगों के घरों में भी पानी घुसने लग गया है। तिरुवल्लुर जिले का भी आलम कुछ ऐसा ही है, जहां रास्तों पर पानी भर चुका है, जिस कारण लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है।